वेलकम टू एवरीवन। एक ऐसी शक्ति जिसे हम प्रतिदिन महसूस करते हैं, वो अदृश्य हाथ है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है। फिर भी इसकी निरंतर उपस्थिति के बावजूद इसका वास्तविक स्वरूप मायावी बना हुआ है। आज हम गुरुत्वाकर्षण की पहेलियों को बारीकी से जानने वाले हैं। एक ऐसा फोर्स जो सेबों को पेड़ों से गिराती है और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को नियंत्रित करती है। लेकिन वास्तव में गुरुत्वाकर्षण क्या है और ये कैसे काम करता है? ये आकाशीय पिंडों के डांस को व्यवस्थित करती है और हमारे ब्रह्मांड की संरचना को आकार देती है। न्यूटन की क्लासिक समझ से लेकर आइंस्टीन की क्रांतिकारी खोज तक गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ के आकर्षक इतिहास की खोज करेंगे। ज्वार भाटा से लेकर मौसम तक, सितारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इसके प्रभाव की खोज करेंगे। हम इस फंडामेंटल फोर्स का पता लगाएंगे जो हम सभी को बांधे रखता है। तो बने रहिए वीडियो पर, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। गुरुत्वाकर्षण वो इनविजिबल फोर्स है जो आकाशीय पिंडों की गति को नियंत्रित करता है और ब्रह्मांड को आकार देता है। हमारे ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू है। हम गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, इसकी पेचीदगियों को उजागर करेंगे। इसकी उत्पत्ति, आकाश गंगाओं, सितारों और ग्रहों के निर्माण में इसकी भूमिका और हमारे दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव को बताएंगे। डिस्कवरी एंड हिस्ट्री। 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन द्वारा वर्णित गुरुत्वाकर्षण मास वाली वस्तुओं के बीच आकर्षण का एक बल है। यह मूलभूत शक्ति आकाश गंगाओं की भव्यता से लेकर गिरते पत्ते के सूक्ष्म खिंचाव तक ब्रह्मांड की संरचना और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन से शुरू होती है, जिन्होंने गिरते सेब से प्रेरित होकर गुरुत्वाकर्षण का पहला व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत तैयार किया। 1687 में प्रकाशित उनके यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नियम ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अपने मास के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। यह सुंदर समीकरण क्लासिकल फिजिक्स की आधारशिला बन गया। इस सरल समीकरण ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने और यहाँ तक कि ज्वार भाटे की व्याख्या की। गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन की अभूतपूर्व खोज उनके यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण के नियम में समाहित है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। न्यूटन का नियम कई स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण का सटीक वर्णन करता है। बाद में इसे अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। आइंस्टीन का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम कर्व के रूप में देखकर इसकी अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है। इस पर्सपेक्टिव से गहन बदलाव की पुष्टि विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से की गई है, जैसे कि विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश का झुकना। जबकि न्यूटन के सिद्धांत ने सदियों तक हमारी सेवा की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता के अपने सिद्धांत में एक मौलिक रूप से अलग पर्सपेक्टिव को अनवेल किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की कल्पना एक बल के रूप में नहीं की, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति के कारण स्पेस टाइम के ढांचे में एक कर्वेचर के रूप में की। ट्रैम्पोलिन पर रखी बॉलिंग बॉल की कल्पना करें, यह कपड़े में एक गिरावट पैदा करता है और पास में लुढ़कने वाली छोटी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से भारी वस्तु की ओर गिरती है। इसी तरह तारे और ग्रह जैसी विशाल पिंड स्पेस टाइम को विकृत कर देती है, जिससे उनके चारों ओर की हर चीज की गति प्रभावित होती है। जनरल रिलेटिविटी बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करने में उल्लेखनीय रूप से सफल रहा है, लेकिन प्रश्न बने रहते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति क्या है, जो ब्रह्मांड के विस्तार में एक प्रमुख भूमिका निभाते प्रतीत होते हैं, लेकिन हमारे वर्तमान उपकरणों के लिए अदृश्य रहते हैं? क्या हमारे द्वारा अनुभव किए गए तीनों से परे अतिरिक्त डायमेंशन है, जैसा कि कुछ स्ट्रिंग सिद्धांतों द्वारा संकेत दिया गया है? शोधकर्ता लगातार गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ को बढ़ा रहे हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर और ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेशन जैसे प्रयोगों के माध्यम से इन रहस्यों की खोज कर रहे हैं। ग्रेविटी ऑन कॉस्मिक स्केल्स। गुरुत्वाकर्षण सबसे बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर कार्य करता है, आकाश गंगाओं के डांस को व्यवस्थित करता है। आकाश गंगाएं तारों, गैस और धूल का विशाल संग्रह, उनके पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से एक साथ बंधे हुए हैं। इस कॉस्मिक बैले के भीतर गुरुत्वाकर्षण कनेक्शन आकाश गंगाओं के आकार को गढ़ते हैं और ब्रह्मांडीय नेटवर्क के भीतर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ग्रेविटी रोल ऑन स्टार बर्थ। गुरुत्वाकर्षण न केवल आकाश गंगाओं को आकार देता है, बल्कि तारों के जन्म के पीछे की प्रेरक शक्ति भी है। विशाल मॉलिक्यूलर बादलों में गुरुत्वाकर्षण के कारण उच्च घनत्व वाले क्षेत्र ढह जाते हैं, जिससे प्रोटोस्टार बनते हैं। जैसे ही ये प्रोटोस्टार द्रव्यमान इकट्ठा करते हैं, गुरुत्वाकर्षण दबाव न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रज्वलित करता है, जो एक तारे के जन्म का प्रतीक है। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव और परमाणु प्रतिक्रियाओं के दबाव के बीच का नाजुक संतुलन किसी तारे के जीवन चक्र को निर्धारित करता है। बाइनरी सितारों के जटिल नृत्य से लेकर आकाश गंगाओं में सितारों के भव्य जन्म और मृत्यु तक गुरुत्वाकर्षण भव्य कॉस्मिक डांस का आयोजन करता है। ये ग्रहों, चंद्रमाओं और यहाँ तक कि ब्लैक होल के निर्माण को नियंत्रित करता है। ब्लैक होल के उस स्पेस टाइम तक जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। प्लैनेटरी फॉर्मेशन। छोटे पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर ग्रहों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत धूल और गैस आपस में टकराते हैं, जिससे प्लैनेटॉइड बनते हैं, जो फाइनली ग्रहों में बदल जाते हैं। इन खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क उनकी कक्षाओं को आकार देते हैं और संपूर्ण ग्रह सिस्टम की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्लैनेटरी सिस्टम के निर्माण, स्थिरता
और गतिशीलता में एक मौलिक भूमिका निभाता है। इस कॉस्मिक बैले के केंद्र में आकाशीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रिया है। इन पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनकी कक्षाएं निर्धारित करता है और प्लेनेटरी सिस्टम्स की समग्र आर्किटेक्चर को प्रभावित करता है। एक बार बनने के बाद गुरुत्वाकर्षण नाजुक संतुलन बनाए रखता है जो ग्रहों की कक्षाओं की स्थिरता को बनाए रखता है। हमारे सूर्य जैसे किसी तारे द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रहों को कक्षा में बनाए रखता है और उन्हें अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। यह गुरुत्वाकर्षण बंधन खगोलीय समय के पैमाने पर प्लेनेटरी सिस्टम्स की दृढ़ता सुनिश्चित करता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का संबंध गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का एक ठोस उदाहरण प्रदान करता है। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है जिससे पृथ्वी पर ज्वार पैदा होता है। इस गुरुत्वाकर्षण संपर्क का हमारे ग्रह के भूविज्ञान, जलवायु और यहाँ तक कि भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर पृथ्वी चंद्रमा सिस्टम के रोटेशन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डीपली देखें तो गुरुत्वाकर्षण वो ब्रह्मांडीय कोरियोग्राफर है जो प्लेनेटरी सिस्टम्स के गठन, संरचना और दीर्घायु का मार्गदर्शन करता है। आकाशीय गतिविधियों को व्यवस्थित करता है जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की सुंदरता और व्यवस्था को परिभाषित करता है। कांस्टेंट कंपेनियन गुरुत्वाकर्षण हमारे दैनिक जीवन में हमेशा मौजूद रहने वाली शक्ति है। सेब के गिरने से लेकर ऊंची संरचनाओं की स्थिरता तक गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सर्वव्यापी है। पृथ्वी की सतह के पास की वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझने के व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, जिनमें इंजीनियरिंग से लेकर खेल के मैकेनिक्स तक शामिल हैं। भव्य ब्रह्मांडीय बैले से परे गुरुत्वाकर्षण हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल को आकार देता है, मौसम के मिजाज को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि हमारे शरीर के काम करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। ज्वार, महासागरों का आकर्षक उतार चढ़ाव, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करने, उपग्रहों को डिजाइन करने और यहाँ तक कि अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण को समझना आवश्यक हो जाता है। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम में विशाल वस्तुओं के एक्सेलरेशन के कारण होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए एक नई खिड़की खोलती है। गुरुत्वाकर्षण तरंग, खगोल विज्ञान, ब्लैक होल विलय और न्यूट्रॉन स्टार टकराव जैसी प्रलयकारी घटनाओं का अध्ययन करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें स्पेस टाइम के ताने बाने में तरंगे हैं, एक क्रांतिकारी अवधारणा जिसकी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी ने 1915 में की थी। ये तरंगे बड़े पैमाने पर वस्तुओं के त्वरण से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारों का फ्यूजन। लाइट वेव्स के विपरीत गुरुत्वाकर्षण तरंगे उन गतिशील घटनाओं के बारे में जानकारी रखती हैं जो उन्हें उत्पन्न करती हैं। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाकर आइंस्टीन की भविष्यवाणी की पुष्टि करके और अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करके इतिहास रचा। इन खोजों ने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर सहित ब्रह्मांडीय घटनाओं में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की जो ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अद्वितीय उपकरण प्रदान करती है। गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान न केवल चरम खगोल भौतिकी घटनाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है बल्कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और गुरुत्वाकर्षण की मौलिक प्रकृति के रहस्यों की जांच करने का एक साधन भी प्रदान करता है। गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकनों की चल रही खोज ब्रह्मांड के छिपे हुए पहलुओं को उजागर कर रही है, हमारी ब्रह्मांडीय स्टोरी को समृद्ध कर रही है और ब्रह्मांड की हमारी समझ को नया आकार दे रही है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण की हमारी गहरी समझ के बावजूद रहस्य कायम है। ब्रह्मांडीय संरचनाओं के अवलोकन से डार्क मैटर की उपस्थिति का पता चलता है, एक रहस्यमय पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित, अवशोषित या रिफ्लेक्ट नहीं करता है जिससे यह अदृश्य हो जाता है। ब्रह्मांडीय नेटवर्क में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका और ब्रह्मांड के तेजी से हो रहे विस्तार से डार्क एनर्जी के प्रभाव पर सवाल उठते हैं जो इस ब्रह्मांडीय एक्सेलरेशन को चलाने वाली एक रहस्यमय शक्ति है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी रहस्यमय घटक हैं जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाश गंगाओं और ब्रह्मांडीय संरचनाओं की गतिशीलता में स्पष्ट है जो उनके देखे गए व्यवहार में योगदान देता है। हालांकि इसकी सटीक प्रकृति माया भी बनी हुई है। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव देखे गए गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को समझाने में महत्वपूर्ण है जो विजिबल मैटर के द्रव्यमान से अधिक है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा है, ये ब्रह्मांड के एक्सेलरेटेड एक्सपैंड को संचालित करती है। ये रहस्यमय बल गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करता है और आकाश गंगाओं को बढ़ती दर से अलग करता है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों के बीच परस्पर क्रिया एक गहन कॉस्मिक पहेली पैदा करती है। उनकी भूमिकाओं को समझना ब्रह्मांड के भाग्य और संरचना को जानने के लिए मौलिक है। फिर भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही मायावी रहस्य बने हुए हैं जो हमारे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की आगे की खोज और शोधन की ओर इशारा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक बल के रूप में है जो ब्रह्मांड को सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी संरचनाओं तक आकार देता है। हमने न्यूटन के सेब से लेकर स्पेस टाइम के आश्चर्यजनक रहस्यों तक गुरुत्वाकर्षण की आकर्षक दुनिया की यात्रा की है, लेकिन याद रखें, इस अदृश्य शक्ति के बारे में हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है।
कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी खोजों का इंतजार है। शायद हम छिपे हुए आयामों को खोज लेंगे, डार्क मैटर के रहस्यों को खोल देंगे, या यहाँ तक कि अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग भी कर लेंगे। ब्रह्मांड की अद्भुत कहानी में गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक अध्याय है। हम हर दिन इसके प्रभाव को महसूस करते हैं, चलने की साधारण क्रिया से लेकर आकाश गंगाओं के विस्मयकारी नृत्य तक। और कौन जानता है, शायद गुरुत्वाकर्षण को बेहतर ढंग से समझने से हमें यहीं पृथ्वी पर कुछ वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। तो अगली बार जब भी आप महसूस करें कि आपके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए हैं, तो याद रखें ये गुरुत्वाकर्षण की अविश्वसनीय शक्ति का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। चलिए मिलते हैं अगली सुबह, तब तक के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।